Hello students, how are you? Topic of the day is inverted flag pattern. Flag formation kaise hoti hai, jisme there is a one pole and then the flag, right? And aap dekhen, ye HDFC bank ka chart hai, isme ek badi giravat aayi, which is a downward trend. Us downward trend ka we form a पोल, उसका एक पोल की फॉर्मेशन बना लेते हैं. उसके बाद देन देयर इज ए कंसोलिडेशन पीरियड. फिर उसके बाद अबाउट मेनी डेज फॉर अबाउट वन एंड ए हाफ मंथ और सो इट वाज इन ए कंसोलिडेशन फेज. उस कंसोलिडेशन फेज को हम लोग मार्क कर लेते हैं विद टू ट्रेंड लाइंस. एक ट्रेंड लाइन जो टॉप्स को मिलाकर बनाएंगे और एक बॉटम लाइन जो हम लोग जो ट्रेंड लाइन जो बॉटम्स दो बॉटम्स को मिलाकर बनाएंगे. हेयर इट इज, आपने दो टॉप से मिलाकर और एक दो बॉटम से मिलाकर वी हैव डिजाइन द टू ट्रेंड लाइंस. और ये दो ट्रेंड लाइंस इज गिविंग अस द इम्प्रेशन दैट एक ये इन्वर्टेड फ्लैग की फॉर्मेशन बनी है, एक बड़ी गिरावट और उसके बाद एक कंसोलिडेशन फेज. जब इस फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आया देन देयर वाज ए ह्यूज जंप इन वन डे एंड द मार्केट स्केल्ड अप जंप्ड एंड शूट अप लाइक एनीथिंग जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ है. और अभी मान लो अभी हमने इस ब्रेकआउट पे बाय किया तो इसका स्टॉप लॉस क्या होगा? जस्ट बिलो द ट्रेंड लाइन. ये जो ट्रेंड लाइन के नीचे जैसे ही आएगा देन इट विल बी ए स्टॉप लॉस. और व्हाट वुड बी द टारगेट? टारगेट कैसे हमको निकालना है? आप देखें ये कंसोलिडेट किया है एक और धीरे धीरे ये नैरो रेंज में आता गया. पहले एक बड़ा स्विंग था उससे फिर छोटा स्विंग फिर उससे छोटा स्विंग तो ये एक नैरो रेंज में आया. और जैसे ही इसने इस फ्लैग पैटर्न को क्रॉस किया देन मार्केट ने अपनी एक बड़ी स्ट्रेंथ दिखाई एक बड़ी तेजी के साथ. एक सिंगल डे या दो दिन के अंदर वो अपना बहुत बड़ा रैली बाजार ने किया. नाउ टारगेट कैसे निकाले हैं? स्टॉप लॉस तो हम लोग समझ गए. एक जो लोएस्ट लो था वहां से जो हाई है वहां से मैंने एक एरो फॉर्म कर लिया दैट वी कैन से दिस इज ए एक्स. सो मेरा पहला टारगेट ब्रेकआउट के बाद विल बी 1x, यानी जितना ये कंसोलिडेशन पीरियड के अंदर प्राइस ने ट्रेवल किया है उतना ब्रेकआउट के बाद एक बार उतना एरिया जरूर वो कवर करना चाहिए. दिस इज ए वन एरिया. ये आप देखें दिस शुड बी योर फर्स्ट टारगेट. और अगर इसके बाद भी प्राइस चलता है तो देन अगेन योर टारगेट विल बी 2x. राइट, जितना आपका उस चैनल के अंदर उसने प्राइस ने मूवमेंट लिया था उतना ही एक बार ब्रेकआउट के बाद वो ट्रेवल करेगा. और अगर उस पॉइंट को भी काट जाता है तो देन इट विल बी 2x टारगेट, उसका डबल देन इट विल ट्रेवल. अब इसको इधर फिक्स कर देते हैं देन वी कैन व्यू द प्राइस मूवमेंट आल्सो. ऑल राइट, और HDFC बैंक के ये चार्ट ने बहुत अच्छा फॉर्मेशन दिखाया है देन इट हैज ट्रेवल्ड 2x. बहुत बार ये 2x नहीं कर पाएगा, वन एंड ए हाफ टाइम्स होगा या वन टाइम होगा, दैट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ दैट कंसोलिडेशन पीरियड. जो आपका फ्लैग पैटर्न है उसकी फॉर्मेशन से पता लगेगा कि वो कितना बड़ा मूवमेंट लेने जा रहा है. तो नैरो रेंज में आते हुए जैसे ही HDFC बैंक के चार्ट ने ब्रेकआउट लिया पहला टारगेट और उसके बाद दूसरा टारगेट, दोनों टारगेट अचीव किए. अगर मैं यहां पर एक इन दोनों के बीच में एक ट्रेंड लाइन फॉर्म करूं, इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा थिक कर लेते हैं देन वी विल फाइंड ओ गॉड. इससे पहले भी तीन चार दिन जब मार्केट इस लाइन से नीचे आया, आप देख पाएंगे इस लाइन से नीचे आया तीन चार पांच छह दिन तक उसने इस लाइन को टेस्ट किया और वहां से फर्दर गिर गया था ये इन द दिस मंथ ऑफ जुलाई अगस्त. और उसके बाद एक कंसोलिडेशन पे फेस और उसके बाद एक ब्रेकआउट.
सो दिस इज ए फॉर्मेशन ऑफ फ्लैग पैटर्न. इसके ऊपर कैसे आप ट्रेड करेंगे, कैसे स्टॉप लॉस लेंगे और कैसे आप इसका टारगेट निर्धारित करेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे, दैट इज बीन एक्सप्लेन्ड इन दिस चार्ट. नाउ प्राइस इज बिलो दिस, बिलो द फर्स्ट टारगेट. अगर इस ट्रेंड लाइन, इस हॉरिजेंटल लाइन के अगर ऊपर चलता है तो प्राइस विल शो द स्ट्रेंथ. इसके अगर नीचे है तो देन इट विल टेक द सपोर्ट नियर टू द फ्लैग पैटर्न का जो टॉप लाइन है, रेड लाइन है, उसके पास वो सपोर्ट लेगा. और अगर उसको भी ब्रेक करता है देन देयर विल बी अनदर डाउनवर्ड. नाउ लेट्स लुक एट द चार्ट ऑफ द निफ्टी. निफ्टी के चार्ट में भी आप देख पा रहे हैं एक बड़ी गिरावट आई और इस बड़ी गिरावट को हम पोल की शेप में फॉर्म कर लेते हैं. देन दिस इज ए पोल. निफ्टी का जो ये डाउन ट्रेंड आया, दिस इज ए पोल. इस पोल को लेट्स मेक इट ब्लू और इसके आगे इसका, इस पोल के ऊपर फ्लैग फॉर्मेशन करते हैं. आप देखें एक ट्रेंड में बाजार गिरा और उसके बाद वो एक कंसोलिडेशन फेज में रहा. उतना समय नहीं रहा जितना कि HDFC बैंक है, लेकिन अदरवाइज इसने भी कंसोलिडेशन फेज के अंदर अपना समय बिताया. ये ऊपर के टॉप्स को मिलाकर ट्रेंडलाइन फॉर्म की, नीचे के बॉटम्स को मिलाकर भी एक ट्रेंडलाइन फॉर्म कर लेते हैं. देन वी विल गेट द शेप ऑफ फ्लैग. नाउ दिस इज ए कंप्लीट इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न. ये इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न आपका बन गया और उसका ब्रेकआउट होने के बाद आप देखें निफ्टी के प्राइस ने भी एक बहुत बड़ा जंप लिया. दो दिन में इट हैज ट्रेवल्ड ऑलमोस्ट मोर देन 500 पॉइंट्स, मोर देन 500 पॉइंट्स इन जस्ट टू डेज, राइट आफ्टर द ब्रेकआउट. लेट्स मार्क द एरो टू डिसाइड द टारगेट. दिस इज योर एक्स, दिस इज योर एक्स. ये जो लोएस्ट लो से मैंने इसको काउंट किया और इसको कॉपी कर लेते हैं. देन आप देखेंगे इट हैव निफ्टी ने अपना 1x टारगेट अचीव किया, 1x टारगेट अचीव किया. लेट्स ड्रॉ. निफ्टी ने 1x टारगेट अचीव किया और उसके बहुत थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद वो करेक्ट कर गया, राइट. तो मेरे पास जो इसका टॉप है, फर्स्ट टारगेट 1x, उसका जो टारगेट है दैट इज योर ट्रेंड डिसाइडर. उस ट्रेंड डिसाइडर के जैसे ही प्राइस नीचे आया और वहां पर एक दो दिन स्ट्रगल करने के बाद या वहां पर स्पिन करने के बाद स्टार्टेड डाउनवर्ड जर्नी, जिसका आप टारगेट में भी 10,993 और अगर ये 11,544 को क्रॉस करता है तो देन इट विल शो द स्ट्रेंथ. और यस, दिस विल फेस एज ए रेजिस्टेंस. 11,544 विल फेस एज ए रेजिस्टेंस. को पार करता है तो देन इट विल ट्राई टू अचीव टू द टारगेट 2. बट नाउ इट इज बिलो द टारगेट 1, बिलो द ट्रेंड लाइन ऑफ 11,544, जिसकी स्ट्रेंथ जहां पे वो उसने वीकनेस दिखाई और उसके लिए टारगेट इज 10,982. और उसके बाद अगर इसको भी ब्रीच करता है तो जो नीचे फ्लैग पैटर्न का जो नीचे वाला ट्रेंड लाइन है वहां पर आकर विल टेक द सेकेंड स्पोर्ट. तो ये मेरे पास अभी दो नीचे के टारगेट्स और ऊपर दो रेजिस्टेंस मेरे पास अवेलेबल हैं इन द चार्ट ऑफ निफ्टी. तो आपने देखा HDFC बैंक में 2x टारगेट अचीव हुआ और निफ्टी के अंदर 1x टारगेट अचीव हुआ और ये 1x ने भी बहुत अच्छा रेजिस्टेंस और टॉप का पहले से ही बहुत अच्छा काम किया है. आप देखें इन द मंथ ऑफ मार्च एंड इन द मंथ ऑफ मई इट हैज वर्क्ड वेरी वेल. मार्च, अप्रैल, मई, इट हैज वर्क्ड वेरी वेल. नाउ लुक एट द चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी के चार्ट ने भी एक बड़ी गिरावट दिखाई. उस बड़ी गिरावट को वी विल फॉर्म एज ए पोल. उसको पोल की तरह से हम लोगों मार्क करेंगे, उसके बाद इसका फ्लैग फॉर्म करने की कोशिश करेंगे. आपके जितने भी टॉप हैं उन टॉप्स को मिलाकर वी विल सेट ए फर्स्ट लाइन ऑफ द
फर्स्ट लाइन ऑफ द फ्लैग विच विल वर्क एज ए रेजिस्टेंस. इसके ब्रेकआउट पे आप देखें कितना बड़ा मूव अप ट्रेंड हैज बीन फॉर्मड बाय द बैंक निफ्टी आल्सो. सो टुडे व्हाट वी हैव लर्न्ड इज इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न किस तरह से फॉर्म करना है और उसके ऊपर ब्रेकआउट पे किस तरह से प्ले करना है, या ब्रेकआउट पे अगर हमारा अगर फेलियर आता है तो उसका स्टॉप लॉस विल बी जस्ट बिलो द ट्रेंड लाइन, फर्स्ट ट्रेंड लाइन जो अपर ट्रेंड लाइन है उसी के नीचे का स्टॉप लॉस रखना है. और टारगेट विल बी, फर्स्ट टारगेट विल बी 1x एंड सेकेंड टारगेट विल बी 2x. और बहुत बार हमने देखा है कि टारगेट इज 1.5 times जो हमारा एक्स फॉर्मेशन है, तो 1.5x का टारगेट अचीव होने के बाद ही करेक्शन दिखाई देती है. तो सो दिस इज ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न. आई थिंक ट्रेंड लाइन के साथ किस तरह से प्ले करना है और उसके पैटर्न को किस तरह से समझ के वी कैन टेक द डिसीजन, ये छोटा सा एक्सप्लेनेशन किया गया इस चार्ट में. विद दिस हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड हैप्पी ट्रेडिंग टू ऑल माई स्टूडेंट्स एंड विश everyone the happy Vijaya Dashmi to all, happy Dushera to all 2019 with lots of love and the blessings. Goodbye till next video.